Today we are going to do the solution of differential equations. Earlier जब मैंने differential equation का chapter start किया था तो मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास जो solution और differential equation होता है, इसमें हमारे पास दो तरह की differential equation आती है. एक differential equation वो होती है जिसमें हमारे पास variable separable form होती है और दूसरी होती है जिसमें variable separable form नहीं होती. और वो further दो types में divide होती है, एक homogeneous और एक linear differential equation. अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है कि हमारे पास वेरिएबल वाई और एक्स की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और इसमें से हम लोग वाई वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं और एक्स वाली टर्म्स दूसरी साइड पे फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, इंटेग्रेट करना होता है. ठीक है जी, सबसे पहले हम लोगों ने y वाली टर्म्स एक साइड पे और x वाली टर्म्स दूसरी साइड पे कर लेनी और उसके बाद इंटेग्रेट करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. अब उसके बाद अब इसमें एक और चीज होती है कि जब हम लोग सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास दो तरह से सॉल्यूशन होते हैं. एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल सॉल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन हमारे पास वो होता है जिसके एंड में हम लोग प्लस सी लिखते हैं. मैंने हम लोगों ने पहले भी किया कि जब हम लोग इंटेग्रेट करते हैं तो आंसर में प्लस सी लिखते हैं. तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास आंसर प्लस सी की फॉर्म में आता है. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग जो ये प्लस सी होता है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट में ही एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई होती हैं. वो वैल्यूज हम लोग जो सॉल्यूशन आता है उसमें पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो दो तरह से हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4 बेस्ड ऑन दिस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. Now see here किस तरह से करना है. Let us start with the first question. यहाँ पे हम लोगों को given है dy by dx is equals to 1 minus cos x over 1 plus cos x. ठीक है जी. अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि x वाली टर्म्स एक साइड पे, y वाली टर्म्स एक साइड पे. अब यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में dx है इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ. It will be 1 minus cos x over 1 plus cos x into dx. ठीक है जी. Now this will become equals to dy is equals to. Now 1 minus cos x formula होता है 2 sin square x by 2 का और 1 plus cos x होता है 2 cos square x by 2. Sub multiple angle formula class plus 1. 2 और 2 cancel out हो जाएंगे दोनों साइड पे और हमारे पास बचता है dy is equals to tangent square x by 2 into dx. जब हमारे पास इस तरह से वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटेग्रेट बोथ साइड्स. दोनों साइड पे इंटेग्रेट कर देना है हम लोगों ने, इंटेग्रेट बोथ साइड्स. यहां पे मेरे पास आ जाता है dy और हियर आई विल गेट इंटेग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x by 2 dx. अब टेंजेंट स्क्वायर x by 2 का फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं है सो हम लोग इसको किस तरह से करते हैं. दिस विल बी रिटन एज इंटीग्रल 1 into dy इंटेग्रल secant square x by 2 minus 1 into dx. अब 1 का इंटेग्रेशन क्योंकि यहां पे हम लोग dy के अकॉर्डिंगली इंटेग्रेट करने जा रहे हैं तो 1 का इंटेग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, y is equals to सबसे पहले secant square x by 2 का इंटेग्रेशन, that will be equals to tangent x by 2 और साथ में 1 by 2 डिवाइड करना है यहाँ पे. अब 1 by 2 डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि x के साथ 1 by 2 लगा हुआ है और मैंने बताया कि इंटेग्रेशन में सिर्फ एक छोटा सा चेन रूल होता है और वो होता है कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ हमने डिवाइड करना होता है. माइनस वन इज माइनस x प्लस सी. अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास x वाली टर्म्स आ जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे dy के विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल किया था तो इधर हमारे पास y आ जाएगा. So it implies y is equals to 2 tangent x by 2 minus x plus c is the required solution for the differential equation dy by dx is equals to 1 minus cos x over 1 plus cos x. Second question is dy by dx is equals to under root of 4 minus y square. मैंने पहले बताया कि y वाली terms एक side पे और x वाली terms दूसरी side पे. इसको इस तरह से लिख लेते हैं dy is equals to under root of 4 minus y square into dx.
उसके बाद ये 4 माइनस वाई स्क्वायर इस साइड पे ले आएंगे, 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इनटू dy इज इक्वल्स टू dx. नाउ द वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटेग्रेट बोथ साइड्स, इंटेग्रेट बोथ साइड्स. और जब दोनों साइड पे इंटेग्रेट किया, सिंपली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने हैं, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy is equals to integral dx, और integral dx को हम लोग 1 into dx लिख सकते हैं. अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, this is equals to 1 over under root of 2 का square minus y square into dy is equals to integral 1 into dx. अब यहाँ पे left hand side पे हमारे पास formula लगेगा 1 by under root of a square minus x square का, and that is equals to sine inverse x over a. यहाँ पे x की बजाय हम लोग y over 2 लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास y है, and this is equals to x plus c. अब बेटा ये एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. अगर आप लोग इसको इस तरह से भी छोड़ देते हैं, even then your answer is correct. But अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं, y by 2 is equals to sine of x plus c. ये combined x plus c के साथ sine आ जाएगा, और यहां से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 sine x plus c, and that will also be your answer. मतलब क्या है कि आप लोग इंटेग्रेट करने के बाद एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या इसके बाद आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ y. और अगर आप लोगों को नहीं भी पता लगता तो आप लोग जस्ट इंटेग्रेट करके छोड़ सकते हैं, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन. ठीक है बेटा जी, फोर्थ क्वेश्चन, secant square x into tangent y into dx plus secant square y into tangent x into dy is equals to 0. अब बेटा ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, y वाली टर्म एक साइड पे और x वाली टर्म दूसरी साइड पे. देखिए किस तरह से करते हैं इसको, secant square y into tangent x into dy एक साइड पे minus secant square x tangent y into dx. उसके बाद ये tangent y इधर इसके नीचे और tangent x इसके नीचे ले जाता हूं मैं. This is secant square y over tangent y into dy is equals to minus secant square x over tangent x into dx. Now see here, y वाली टर्म एक साइड पे चली गई, x वाली टर्म दूसरी साइड पे चली गई. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंटेग्रेट बोथ साइड्स. अब जब दोनों साइड पे इंटेग्रेट किया, ये हमारे पास आ जाता है इंटेग्रल secant square y over tangent y into dy is equals to minus integral secant square x over tangent square x into dx. अब बेटा जी ये ध्यान दीजिए, ये मेरे पास ये फॉर्म बन रही है f dash x over fx into dx. चेक कीजिए, नीचे मेरे पास फंक्शन पड़ा हुआ है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, log mod fx plus c. ठीक है जी, तो यहां पे जब हम लोग इंटेग्रेट करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा log mod tangent y is equals to minus log mod tangent x plus c. और जो ये c होता है बेटा, ये हम लोग एक साइड पे ही लगा देते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे c लगाएं चाहे राइट हैंड साइड पे c लगाएं. अगर आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों का आंसर यहां पे भी करेक्ट है, या फर्दर अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, log tangent y plus log mod tangent x is equals to c. अब लेफ्ट हैंड साइड पे log m plus log n का फॉर्मूला लग जाएगा, that will be equals to log of tangent x into tangent y is equals to c. इसके बाद log remove करना है, और जब log remove करना होता है तो बेटा ये दोनों साइड पे exponential लेना होता है. याद रखिएगा, to remove log we have to take exponential on both sides. तो यहां पे आ जाएगा tangent x into tangent y is equals to e raised by c. चेक कीजिए, मैंने दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे e और log कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे e raised by c. अब क्योंकि c कांस्टेंट था तो e raised by c भी सम कांस्टेंट हो जाएगा, सो आई कैन राइट इट लाइक tangent x into tangent y is equals to another constant capital
and that will again your answer. अब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि integration करने के बाद यहाँ पे छोड़ना तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या further इस तरह से solve करना तो हम लोग इस तरह से भी solve करके बता सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ प्रूव करने के लिए कहा हो कि प्रूव दैट इट्स अ सॉल्यूशन इज ऑफ दिस काइंड, तो आप लोगों को प्रॉपर वहां सॉल्यूशन तक फाइंड आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज इट्स आवर चॉइस कि हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद इसको छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को एज इट इज। फिफ्थ क्वेश्चन, ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस e raise power x minus e raise power minus x into dx is equals to 0. dy by dx बनाते हैं यानि y वाली टर्म एक साइड पे और x वाली टर्म दूसरी साइड पे। e raise power x plus e raise power minus x into dy is equals to e raise power x minus e raise power minus x into dx। यहां से e raise power x plus e raise power minus x इसके नीचे ले जाते हैं, so dy is equals to e raise power x माइनस ई रेस पर माइनस एक्स ओवर ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स इनटू डीएक्स। अब यहां पे हमारे पास फिर से वेरिएबल सेपरेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप इज इंटेग्रेट बोथ साइड्स, इंटेग्रेट बोथ साइड्स, और जब दूसरी साइड पे इंटेग्रेट दोनों साइड पे हम लोगों ने किया, इट विल बी 1 इनटू डीवाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स over e raise power x plus e raise power minus x into dx। left hand side पे तो हमारे पास आ जाएगा x is equals to, अब बेटा जी यहाँ पे देखिए right hand side हमारे पास फिर से वही term बन गई है जब numerator में हमारे पास denominator का derivative पड़ा, that is f dash x over fx form पड़ी है, तो इसका integration क्या हो जाएगा, log mod e raise power x plus e raise power minus x प्लस सी। यहाँ पे बेटा इस साइड पे वाई आना है, करेक्शन कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे वाई आना क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटेग्रेट कर रहे हैं। सो दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है जी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाई इक्वल्स टू लॉग मॉड ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब एक बार याद रखिएगा, जब भी सोल्यूशन करना है सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं कहा नहीं होता कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन या फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहां से हम लोगों को पहले चेक करना पड़ता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नॉन वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका मेथड लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। dy by dx is equals to 1 plus x square into 1 plus y square, 1 plus x square into 1 plus y square. Again, it will become 1 over 1 plus y square into dy is equals to 1 plus x square into dx. Check कीजिए, dx को right hand side पे ले गया हूँ और ये 1 plus y square इधर denominator में आ जाएगा। इसके बाद next step, integrate. Integration के formula सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। Integration कर दिया हम लोगों ने, it will become integral 1 over 1 plus y square into dy is equals to integral 1 plus x square dx. Now 1 over यहाँ पे formula लगेगा a square plus x square का, that will be equals to 1 by a tan inverse x over a, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि variable y है तो y over 1 लिखेंगे, is equals to 1 का integration x, x square का integration x cube over 3 plus c, और ये जो प्लस सी है वो हम लोग किसी एक साइड पे भी लगा सकते हैं। सो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन आ गया टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी, एंड वी कैन लीव अवर आंसर हियर ओनली, या अगले स्टेप में आप ये टेंजेंट इनवर्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ होल द टर्म दैट इज एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है जी। नाउ नाइंथ क्वेश्चन इज dy by dx is equals to dy by dx is equals to sine inverse x, dy by dx is equals to sine inverse x, so it will become equals to dy is equals to sine inverse x into dx and integrate both sides, और जब दोनों साइड को इंटेग्रेट किया हमारे पास क्या आ जाता है, इंटेग्रल dy is equals to integral sine inverse x dx, और बेटा जी याद रखिए
जो इनवर्स का इंटेग्रल करना होता है उसको हम लोग 1 into साइन इनवर्स एक्स करके इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड 1 विल बी कंसिडर्ड एज सेकंड फंक्शन बाय यूजिंग द मेथड आईलेड। याद रखिएगा आईलेड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल किया वाई आ गया और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इट्स आंसर विल बी फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1 का इंटेग्रेशन एक्स हो जाएगा वो मैं आगे लिख रहा हूं माइनस इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटेग्रेशन एक्स वो फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब बेटा जी अगर इसको इंटेग्रेट करना है मैं अपनी तरफ से देखिए क्या करने जा रहा हूं वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये माइनस का साइन पहले तो मैं अंदर ले जा रहा हूं माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और उसके बाद बेटा जी यहां देखिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि नीचे वाली टर्म का जरा देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x तो मैं ऊपर माइनस 2x डेरिवेटिव बनाना चाहता हूं। नाउ दिस टर्म विल बिकम वाई इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटेग्रल। अब इसको देखिए माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 क्योंकि अगर नीचे पावर अंडर रूट टर्म नहीं होती तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे दिस वन एफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब जब यहां पे इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 ये मेथड यहां पे हम लोग इंटेग्रेट करने के लिए लगाएंगे इस इंटेग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। सो मेरे पास ये सॉल्यूशन आता है वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 हाँ जी देखें एफ एक्स रेज पर एन प्लस 1 ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये सॉल्व करते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और यहां डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस सी ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली माय आंसर विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। स्टेटमेंट इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू dy/dx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहां पे वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बचता है 2x स्क्वायर प्लस x ओवर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू dx तो ये मेरे पास बनता है इंटेग्रल dy क्योंकि इंटेग्रेट करना दोनों साइड पे इंटेग्रेट 2x स्क्वायर प्लस x ओवर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूं मिडिल टर्म स्प्लिट करके मेरे पास कुछ इस तरह से बनती है x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x प्लस 1। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं या इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू इंटेग्रल कैपिटल I में लिख लेता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का इंटेग्रल मेरे पास y आ जाएगा राइट हैंड साइड का इंटेग्रल मैं सेपरेट सॉल्व करने जा रहा हूं। नाउ I is equals to integral 2x square plus x over x square plus 1 into x plus 1 dx. It can be written as integral ax plus b over x square plus 1 dx plus integral c over x plus 1 dx. याद कीजिए बेटा जी partial fraction जिसमें मैं पहली टर्म मेरे पास ये quadratic polynomial है which cannot be factorized. तो उसके न्यूमरेटर में मुझे लीनियर पॉलिनोमियल लिखनी पड़ेगी और दूसरा मेरे पास लीनियर फैक्टर है तो उसके नीचे ऊपर मैं सिंपली सी लिख देता हूं। इसके बाद बेटा जी आप लोगों ने सॉल्व बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन
पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोगों ने सॉल्व करना है और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे हमारे पास ए की वैल्यू आती है 3/2, बी की वैल्यू मेरे पास आती है -1/2 और सी की वैल्यू फिर से मेरे पास 1/2 ही आती है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, जो मैंने मेथड पहले करवाया हुआ। अब इसके अकॉर्डिंगली ये टर्म मैं यहां पे रखता हूं तो ये इंटेग्रल मेरे पास किस तरह से बनेगा, इंटेग्रल 3/2x -1/2 ओवर x² + 1 dx प्लस 1/2 ओवर x + 1 dx। अब इसमें एक बार मैं ये 3/2x के नीचे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 3/2x ओवर x² + 1 dx माइनस एक बार 1/2 के नीचे लिख रहा हूं 1 ओवर x² + 1 dx और एक जो ये लास्ट है 1/2 इंटेग्रल 1 ओवर x + 1 dx हो जाएगा। अब इसके बाद 3/2 बाहर आ जाएगा, दिस इज 3/2 इंटेग्रल x ओवर x² + 1। इसका इंटेग्रल करते हैं ये आ जाएगा -1/2 tan इनवर्स x, क्योंकि x² + a² का फॉर्मूला लगेगा और यहां पे 1/2 log mod x + 1। अब इसको इंटेग्रेट करना है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास किस तरह से बनेगा देखिए यहां पे, दिस इज इक्वल्स टू 3/4 इंटेग्रल 2x ओवर x² + 1 dx -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x + 1। इसके बाद ये नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, सो आई विल राइट इट लाइक 3/4 log x² + 1 -1/2 tangent इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x + 1। अब क्योंकि इंटेग्रल हो गया तो अब मैं यहां पे प्लस सी लिख रहा हूं। इसके बाद पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है। ठीक है बेटा जी, नोट इट डाउन, इसके बाद फिर आगे करते हैं इसको सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 वाज y = i। i की वैल्यू वो हमारे पास आई है 3/4 log x² + 1 -1/2 tangent इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस c। अब बेटा जी क्योंकि इस 11th क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और जरा स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, वहां स्टेटमेंट के एंड में लिखा है y is equals to 1 when x is equals to 0, तो मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when, अब मैं लिखूंगा when x is equals to 0 it implies y is equals to 1, this is equation number 2। इसी में पुट करता हूं मैं, देखिए y की वैल्यू 1 is equals to 3/4 log 0 + 1 -1/2 tangent inverse 0 plus 1/2 log 0 + 1 plus c। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनता है log 1, सिमिलरली दिस इज आल्सो log 1, और एक बात याद रखिएगा कि log 1 हमारे पास हमेशा 0 होता है, सो दिस विल बिकम 1 इज इक्वल्स टू 0 -0 प्लस 0 प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो यहां से c की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1, और इसको हम लोग पुट इन इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आया उसमें c की वैल्यू पुट करनी है। therefore y is equals to 3/4 log, this is 3/4 log mod x² + 1 -1/2 tangent इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस जो c की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 विल बी द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा जी, एक बात आपको फिर से बता दूं कि जनरल सॉल्यूशन में हम लोग आंसर c की फॉर्म में ही छोड़ देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर जनरल सॉल्यूशन कहा होता तो जो ये इक्वेशन नंबर 2 आई है दैट विल बी दैट वाज आवर आंसर, लेकिन क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और ये कंडीशन मुझे गिवन थी कि x is equals to 0 है तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये गिवन आंसर में पुट करने के बाद मुझे c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा जी,
Friends, we'll meet on Monday with more questions from this exercise.